आवाज में सब क्या रखे में ईसाइयों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को लालच देके और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हम उसके सख्त खिलाफ़ हैं और उसका विरोध भी करते हैं, और कुछ कार्यकर्ता जो हमारे उसके विरोध में थे उनके ऊपर प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे लगा के उन्हें फंसाया जा रहा है, और ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, और अगर प्रशासन को हम शांति रूप से ज्ञापन दे रहे हैं, प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करे, और दूसरा जो ये कार्यक्रम चल रहा है ईसाइयों द्वारा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जब भी हम शांति रहेंगे। अन्यथा हम रोडे जाम करके प्रशासन को बताएंगे कि शिवसेना और हिंदू धर्म इतना कमज़ोर नहीं कि उसको भेला फुसला कर उसका परिवर्तन कराया जा सके। आपका नाम मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजावत है, जिला प्रमुख अजमेर। हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं जो किशनगढ़ के अंदर जो हमारे धर्म परिवर्तन का वो सिलसिला चल रहा है। 23 तारीख को नाइट में जो लेडीजों के द्वारा संगत का प्रोग्राम रखते हैं और वो उन लोगों को बाल भूसा कर लोगों को पैसों का लालच देते हैं, ये वो लोग और पैसों का लालच देकर उन गरीब लोगों को हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और किशनगढ़ नहीं, अजमेर जिले के अंदर हर जगह मसूदा है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, आसपास में हर जगह ये प्रोग्राम होता है। हर महीने में 2-3 बार प्रोग्राम होता रहता है और ये लोग हमारे हिंदू भाइयों को पैसों का लालच दे के उन लोगों को सबको ये ऐसे ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म हर चीज़ का अलग अलग। हमारे हिंदू भाइयों में सबसे बड़ी कमी यही है कि अपन सब जातियों में बंटे हुए हैं, इसके वजह से हम लोग कमज़ोर रह रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हमारे समाज को हिंदुओं को बहुत बड़ा खतरा हुआ है। इसलिए हम इनको सबको विरोध कर रहे हैं, और आने वाला टाइम में अभी किशनगढ़ बंद कराएंगे, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरा अजमेर जिला बंद कराएंगे। आपका नाम? मेरा नाम भवानी सिंह राठौड़, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हिंदू क्रांति सेना।